नजर रखी जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको चंदौली से दे दें कि डिप्टी सीएम ने किया है अस्पताल का औचक निरीक्षण। बृजेश पाठक ने किया है अस्पताल का औचक निरीक्षण। और साथ ही आपको बता दें कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त अस्पताल का निरीक्षण हुआ है। खराब पेयजल की व्यवस्था देखकर भड़के बृजेश पाठक। पीने के पानी के लिए नहीं मिली आरोग्य व्यवस्था, डिप्टी सीएम ने लगाई सीएमएस को फटकार। बृजेश पाठक ने दिए व्यवस्था सुधारने के निर्देश। बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, तस्वीरें भी साथ में लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले भी बृजेश पाठक डिप्टी सीएम पहुंचे थे कई बार औचक निरीक्षण करने के लिए। आम आदमी के मास्क लगाकर वो पहुंचते हैं ताकि किसी को भनक तक ना लग सके कि डिप्टी सीएम पहुंचे। वो ये देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे थे। चिंदौली की तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर अस्पताल का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इससे पहले भी कई बार आम जनता की तरह आम कपड़ों में मास्क लगाकर पहुंच जाते हैं कि किस प्रकार से आम जनता को सुविधा दी जा रही है, लेकिन कई बार खामियां पाई जाती हैं। और इस बार भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें देखने को मिली। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी। कुछ मुद्दे हैं जिस पर उनसे बात करने जाएंगे। सर तब चलो, शिवपाल जी को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी पे हमारी सरकार के विषय में कुछ पूछो तो हम बता पाएंगे। एक बड़ा मुद्दा भी आया, अखिलेश यादव ने भी कहा है और लगातार वो रोजे इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल जी को लेकर हमारी पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, अस्पतालों के बारे में, सरकार के बारे में कुछ पूछो तो हम बताएं। सर अभी आप आए हैं घर में क्या हो रहा है हम कैसे बता, चंदौली में आप आए हैं उनके घर में क्या आप देख पा रहे हो? हम तो नहीं देख रहे हैं। अभी अभी ताजे खबर यही कि ओम प्रकाश राजभर आजम खान से मिलने जा रहे हैं, तो ये मुझे से हमने नहीं देखा है उनके बच्चे में। आप हमारे बारे में, हमारी सरकार के बारे में पूछो, पार्टी के बारे में हम बताएंगे। जिला अस्पताल आप चंदौली, जिला अस्पताल का हमने पूरा निरीक्षण किया है। प्रदेश के सभी चिकित्सकों को हमने अनुरोध किया है कि अस्पताल परिसर में मरीज को भगवान मान करके सेवा करें, उनको जो भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं दें। यदि बहुत ही आवश्यक है कि दवाई बाहर से लिखनी है तो जेनरिक दवाइयाँ लिखें। परिसर में आत्मीय व्यवहार हो, घर जैसा व्यवहार हो, उनको शुद्ध ठंडा पेयजल मिले, बैठने के स्थान अच्छा हो, साफ सफाई हो, स्ट्रेचर व्हीलचेयर के इंतजाम हो और सभी लोग समय से अस्पताल परिसर में आए। बिजली व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, चंदौली में भी स्थिति खराब है, क्या कहेंगे? आप सुधार देखेंगे, जल्दी सुधार देखेंगे। अभी डिप्टी सीएम साहब लगातार बात कर रहे थे, लगातार बता रहे थे बिजली व्यवस्था के बारे में, बोले जल्द सुधार होगा। अब देखना होगा डिप्टी सीएम साहब जो कह रहे हैं वो कितनी बातें पूरी होती है। संतोष जायसवाल, जी मीडिया, चंदौली।